नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 2.5 वर्षीय ट्विंकल के साथ हुए घटना के खिलाफ शहर के लोग हुए गोलबंद, उठाई फांसी की मांग। राज्य में नए डीजीपी के प्रभार संभालते ही चौकस दिख रही है जमशेदपुर पुलिस, चल रहा है विशेष जांच अभियान। परसुडी में बैंक लूट कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 अपराधी आए गिरफ्त में। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग जमशेदपुर में भी उठने लगी है। सोमवार को जमशेदपुर के तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इसका जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर विरोध किया और दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। इस प्रदर्शन में राजपूत, करनी सेना, शिवसेना, विहिप, बजरंग दल समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान इन्होंने दोषी को फांसी दिए जाने की मांग पर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने कहा कि अलीगढ़ में 2.5 वर्षीय ट्विंकल शर्मा के साथ आरोपियों ने जो करतूत किया है उसे सोचने से ही रूह कांप उठती है और उस मासूम के साथ उनके परिजनों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश में एक अध्यादेश लाया था जिसके तहत इस तरह के करतूत वाले अपराधियों को फांसी की सजा दी जा सके और अब वक्त आ गया है कि उस अध्यादेश को लागू किया जाए और दोनों आरोपियों को फांसी की सजा जल्द से जल्द दी जाए। कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो मासूम बेटी के साथ जो हैवानियत हुई है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और साथ ही जमशेदपुर की आवाज़ को उत्तर प्रदेश की सरकार तक भेजना चाहते हैं कि इस हैवानियत के खिलाफ जो भी सख्त हो कार्रवाई हो की जाए और सबकी हम लोग ने उसके लिए फांसी की मांग की है ताकि अगर इस चीज़ में कार्रवाई कहीं से भी अगर लेट होती है, कहीं से भी किसी तरह की राजनीति होती है तो हम लोग इस चीज़ को लेकर जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तक, वहाँ से पहुँचेंगे हम लोग और अपनी आवाज़ को हम लोग पहले डीसी साहब के माध्यम से वहाँ तक भेजना चाहते हैं, उसी उद्देश्य से हम जुटे हुए यहाँ पर आज। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के द्वारा भी इस मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस तरह के दरिंदगी करने वाले लोग समाज के लिए काले धब्बे की तरह है और इन्हें सीधे तौर पर फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अपराधियों को इस तरह का कुकृत्य के लिए फांसी मिलनी शुरू हो जाएगी तब जाकर देश में हमारी बेटियाँ सुरक्षित रह पाएंगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ एक मासूम के साथ घटना घटी है, उस घटना में अपराधियों को पकड़ने और उसको फांसी की सजा दिलाने के लिए हम लोग मांग करने उपायुक्त के माध्यम से आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करने आए हैं। इस अपराधी को अरेस्ट करके और उसको फांसी की सजा दिलाई ताकि आने वाले समय में हमारी बेटी यहाँ जो असल में सुरक्षित है वो हमें गर्व के साथ चल सके और कभी इस तरह के शिकार नहीं करें, ये मांग करने हम आए। विश्वकर्मा समाज के और इतने ही लोग हैं, ये बात काफ़ी घटना से आहत है, वे चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो दुष्ट लोग जो समाज में है वो काफ़ी कार्रवाई करके उसको फांसी सजा दी जाए। राज्य में नए डीजीपी कमल नयन चौबे के पदभार लेते ही पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस सक्रिय हो गई है। अपराधियों पर नकेल कसने और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने को लेकर स्पेशल चेकिंग किया जा रहा है। वैसे चेकिंग के जरिए अपराधियों की पहचान भी की जा रही है। वैसे अपराधी जो अपना नाम और पता छिपाकर शहर में रह रहे हैं उधर स्पेशल ड्राइव के जरिए वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए भी एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किया है और कहा है कि जल्द से जल्द सभी वारंटियों को गिरफ्तार करें, साथ ही आम जनता सुकून और शांति से जी सके इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उधर डीजीपी के कमान संभालने के बाद पहली बार शहर में पुलिस का रुतबा सड़कों पर दिख रहा है। हालांकि अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। स्पेशल व्हीकल चेकिंग ड्राइव चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत पूरे शहर में 20 लोकेशन पे, इसमें एमजीएम थाना क्षेत्र और सुंदरनगर थाना क्षेत्र भी शामिल है, पूरे 20 लोकेशन पे चेकिंग चलाई जा रही है। सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अभी चलेगी और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक।
ये स्पेशल ड्राइव दो कारणों से चलाया जा रहा है। एक तो जो शहर में अगर जो भी घटना हुई है उसमें हम लोगों ने ये पाया गया है कि जो बाइक इस्तेमाल किया जाता है उस पर या तो नंबर प्लेट नहीं है या नंबर के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए शहर में एक हमने मुहिम स्टार्ट किया है जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, और ये निरंतर जारी रहेगी। हम लोग जगह और समय बदल बदल के ये स्पेशल व्हीकल ड्राइव चलाते रहेंगे। और जो दूसरा रीजन है ये चलाने का, ये है कि आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन के दौरान हम लोग फोर्स की कमी के कारण इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 21 मई के दिन परसुड़ी थाना अंतर्गत उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर चार अज्ञात अपराधियों ने 1,99,180 रुपए की लूट कर ली थी। उधर इस घटना के बाद पूरे जिले को सील कर छापेमारी शुरू कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इस लूटकांड को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 20 दिनों के भीतर ही लूटकांड का खुलासा कर दिया। इसमें 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे इस घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी हैं, जबकि 2 अपराधी उड़ीसा के जेल में बंद है। उधर गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। उधर बैंक लूट कांड का खुलासा के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। 21/5/2019 को एक बैंकिंग कंपनी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसके बाद परसोड़ी थाना में FIR दर्ज किया गया था। और इस घटना का उद्भेदन करने हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा काफ़ी त्वरित एवं अच्छे ढंग से कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिस गिरोह में मुख्यतः 5 आदमी हैं। इस 5 आदमी में से 2 जो घटना के बाद 2 अपराधकर्मी ओडिशा के राउरकेला में किसी कांड में पकड़ा करके राउरकेला जेल में अभी बंद है, और बाकी के 3 को परसोड़ी थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान पता चला कि इसमें से एक आदमी बोराम में भी एक पेट्रोल पंप में लूट की घटना को कारित किया है, प्लस एक दो जगह और किया हुआ है, जिसका हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो लूट में शामिल थे 3 लोग, वो जिस बाइक का इस्तेमाल किए थे, बाइक की बरामदगी हो गई है, इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फ़ोन की बरामदगी हुई है, और जिस हेलमेट को पहन करके ये अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज किया गया था, उस हेलमेट को भी हम लोग रख लिए हैं, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा एविडेंस होगा। इनके द्वारा लूटा गया कैश बॉक्स, जिसमें कैश था उस बैंक में, वो कैश बॉक्स की बरामदगी हुई है, बट उस कोई कैश बरामद नहीं हो पाया, बिकॉज ये लोग सभी कैश को खर्च कर दिए हैं। इसमें से जो 3 लोग पकड़ाए हैं, 3 पहले से इनका आपराधिक इतिहास है, 3 जेल जा चुके हैं इसी तरीके की घटने में, और 2 जो लोग राउरकेला में बंद है उनका भी आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना अंतर्गत PM मॉल के बाहर बैलून बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे छोटे बच्चे की पिटाई बीती रात मॉल के कर्मचारियों के द्वारा की गई थी। इस मामले में दोषियों पर पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने उठाई है। बता दें कि विगत दिनों PM मॉल के बाहर बैलून बेच रहे एक बच्चे की पिटाई मॉल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की गई थी। इस घटना में बच्चे की इतनी बर्बरता से पिटाई की गई कि बच्चे का हाथ भी टूट गया। इस मामले में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मॉल के संचालक अपनी मनमानी पर तुले हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से आज हम लोग DC साहब से गुहार लगाने आए हैं कि पूर्व दिन में एक छोटे से बच्चे के ऊपर में जानलेवा हमला, ये बहुत बड़ा घटना है। एक छोटा सा बच्चा जो अपना जीविका चलाने के लिए कैसे कैसे बैलून बेचकर अपना जीविका चला रहा था, तुरंत उस पर PM मॉल के सुरक्षाकर्मी द्वारा जबरन उनका हाथ तोड़ दिया मार के, और ऐसा स्थिति में ला दिया वो बच्चा को कि वो बच्चा अपंग हो गया। आज हम उस बच्चे को भी हम लोग खोज रहे हैं, इसका पेपर के माध्यम से हमें मालूम चला है, मगर इस चीज़ को लेकर हम DC साहब से गुहार लगाने आए हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। वहीं इस मामले में जिले के उपायुक्त ने स्वयं संज्ञान लिया है और इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्थानीय बिष्टुपुर थाना पुलिस को CCTV कैमरे की जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है, साथ ही आगे दोषियों पर कार्रवाई भी की जानी है। हमारे पास जो है वो ये जानकारी मिली है कि PNM मॉल के पास जो है वो बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जो है एक बच्चे के साथ बदसलूकी की गई, और उसके साथ जो है वो
हमें लगता है कि मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वहां जाकर के मामले की पूरी जांच करें, और चूँकि और जांच रिपोर्ट आने के बाद से हम लोग जो भी संबंधित व्यक्ति होंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर पुलिस से अब आम लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। जी हां, हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिला पुलिस कप्तान कार्यालय में चक्कर लगा रही है नवविवाहिता। पिछले 2 माह से इस कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक इस नवविवाहिता को न्याय नहीं मिला है। कभी सिटी SP के दरबार में ही तो कभी वरीय पुलिस अधीक्षक के दरबार का चक्कर लगाकर यह नवविवाहिता थक चुकी है। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व इस नवविवाहिता को उसके ससुराल वालों ने छत से धक्का देने की कोशिश की। जब यह विवाहिता अपने आप को बचा ली तो मिट्टी का तेल छिड़क कर जान मारने का प्रयास किया गया, लेकिन अपनी जान बचाकर यह थाना पहुंच गई तो थानेदार ने FIR लेने से ही इनकार कर दिया। जैसे तैसे दबाव में थानेदार ने FIR लिया तो सही, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दो महीने से मैंने स्लॉट लिया है और यहाँ पर मेल डिटेक्ट होने के बाद भी एक पे स्टे लगा हुआ है, और बाकी जो अक्यूज है उसको मतलब उसको भी अंदर नहीं किया जा रहा, उसको पूरी तरीके से छूट दी जा रही है। मैं लगातार DSP सर से मिल रही हूँ और अपने कदमा खाना जा रही हूँ। मैं वहाँ से बार बार मुझे ये बोला जा रहा है कि हम अपना काम करें, अभी इंक्वायरी चल रही है। जमशेदपुर के टाटा स्टील में नौकरी के नाम पर 176 युवकों से लाखों रुपए का ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जहां ठगी के शिकार हुए युवकों ने जमशेदपुर के SSP से मदद की गुहार लगाई। ठगी के शिकार युवकों ने जमशेदपुर SSP को एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें इन्होंने किसी JK कंस्ट्रक्शन और गोल्डी टूर एंड ट्रेवल्स के ओनर विक्की सिंह गोल्डी नामक व्यक्ति पर नौकरी के एवज में लाखों की ठगी का आरोप लगाया है। साथ ही आवेदन में इन्होंने अलग अलग मोबाइल नंबर से पैसे मांगने और पुलिस को बताने पर जान मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। मीडिया के समक्ष सभी युवकों काफी डरे समय नजर आए। वैसे जमशेदपुर में नौकरी के नाम पर ठगी होना अब आम बात सा हो गया है, लेकिन एक साथ इतने युवाओं को ठगा जाना पहला मामला दिख रहा है। फिलहाल युवकों की शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। देखिए, मामला है कि टिस्को में कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम लगाने के लिए काफ़ी आदमी को बोला गया है कि यहाँ पर एक नया कंपनी काम चालू कर रहा है JK कंस्ट्रक्शन के नाम से, तो इसमें काफ़ी सारा वेल्डर गैस कटर हेल्पर की ज़रूरत है। तो इसी तरह एक दूसरे के संपर्क में काफ़ी लोग ने 176 आदमी 180 आदमी के आसपास में कोई 2000 कोई 3000 कोई 5000 कोई सुपरवाइजर के लिए कोई हेल्पर के लिए पैसा दिया कि ट्रेनिंग आप लोगों का किया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का जो है कंपनी के तरफ पैसे दिया जाएगा। ये एक मानगो का लड़का है अमित सिंह करके, जिसके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर जॉब खाली है और यहाँ पर काम के लिए पैसा लगेगा, जो आप लोगों का सेफ्टी ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो ये अमित सिंह उन्होंने पैसा दिए हुए हैं। ये आपका करीब 1 तारीख से दिया गया सबको, और कल आज बोला गया था कि आज ट्रेनिंग होगा। जब ट्रेनिंग में आया तो मेन ऑनर बोल रहा है कि हम सेफ्टी शूज हैंड ग्लव्स सब गाड़ी में भेज दिए हैं, और जब गाड़ी का नंबर पता चला तो प्लेटिना बाइक का नंबर निकला, तो इसी में अंदाजा हुआ है कि हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडी जाहिर टोला के निवासी एक आदिवासी महिला ने अपने पति व सास पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने जिला पुलिस कप्तान से अपने लिए न्याय की मांग की है। बताया जाता है कि महिला के 2 बच्चे भी हैं और विगत कई वर्षों से महिला को उसके पति व सास द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। महिला ने एक बार अपनी विधवा माँ से 40,000 रुपये अपने पति को दिए थे। इसके बाद पति ने दोबारा दहेज की मांग की, जो महिला के घर वाले देने में सक्षम नहीं थे। इस पर उसके पति व सास द्वारा दोबारा मारपीट कर महिला को घर से निकाल दिया गया, लेकिन समाज तथा थाने के दबाव में आकर महिला दोबारा घर में घुस गई। लेकिन एक महीना बीतने के बाद फिर से महिला की पिटाई कर उसके पति व सास ने घर से निकाल दिया है। महिला ने जिला पुलिस कप्तान से अपने लिए न्याय की मांग की है। हम 2010 में शादी किए हैं और मेरी सास और उसकी बेटी लोग हर समय हमको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत 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 एकदम बहुत ज़्यादा मेरे को टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और पति भी जैसे उसकी माँ और पिताजी बोलते हैं वैसा करते हैं, मारो बोलने से मारते हैं,
गाड़ी चाहिए सर, हम लोन लेके भी इसको गाड़ी दिला दिए हैं सेकेंड हैंड, तो बोलता है अभी कि हमको नहीं, हमको 50,000 पैसा चाहिए, लेके आओ नहीं तो नई घर में घुस जाते। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नव भारत निर्माण झारखंड इकाई द्वारा जिले में खुलेआम बिक रहे नशीले पदार्थों पर रोक लगाए जाने की मांग जिला पुलिस कप्तान से की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर में इन दिनों नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। दवा की दुकानों पर आमतौर पर नशीले दवाएं बेची जा रही है और युवा वर्ग इसका सेवन कर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी ये दवाएं खुलेआम बिक रही है जिस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं कई शराब की दुकानों के बाहर अड्डेबाजी भी होती है और वहां के लोगों को द्वारा शराब का सेवन किया जाता है और आने जाने वाले लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, जिससे भी आम नागरिकों को परेशानी होती है। इन सब पर रोक लगाने की मांग इनके द्वारा जिला पुलिस कप्तान के समक्ष उठाई गई है। आज मानगो की समस्या ट्रैफिक को लेके और जो चौक चौराहे पे जो नशाखोरी हो रहा है उसको लेके हम लोग वरीय आरक्षी अधीक्षक को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपने आए हैं। इसमें मानगो पुल पे जो ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो रही है और जो टिस्को द्वारा जो कार्य दिन में किया जा रहा है, जो आधा छोड़ा गया है, आज दिन दुर्घटना हो रहा है, काफ़ी भीड़ जाम हो जा रहा है, उसको लेके हम लोग वरीय आरक्षी अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और जो दुकानदार युवा बच्चों को जो डेंड्राइट नशील दवा को जो सीधा धड़ से बेच रहे हैं उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम आज वरीय आरक्षी अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप कर मांग करने आए कि इन सभी पर कड़ी कार्रवाई करें ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के उपरांत अब झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी है। झामुमो जिला कमेटी की एक बैठक सोमवार को संपन्न हुई, जिसे प्रखंड स्तर पर पार्टी के मजबूती दिलाने के लिए कई निर्णय लिए गए। यह बैठक पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले के पदाधिकारियों के द्वारा कई दिशा निर्देश आगामी विधानसभा चुनाव के तहत दिए गए। जिला अध्यक्ष ने बातचीत के क्रम में कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके लिए प्रखंड स्तर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पार्टी में मजबूती आ सके और आगामी चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। जिला की बैठक बुलाई गई है, जिस पर हमारी पार्टी की संगठन स्थिति के बारे में सभी प्रखंड से हम लोग रिपोर्ट लेंगे और आने वाले समय जो यहाँ पर 2019 में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाली है, जिस चुनाव में एक मजबूती के साथ ताकत के साथ हम यहाँ पर प्रदर्शन करें और जिस पर सभी प्रखंड पंचायत नगर को जिम्मेवारी के साथ ये कार्य करने का निर्देश हम लोग आज जारी करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।